फ्री योजनाओं से कोई जीत जाता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एक तरफ बिजली के 100 यूनिट ये फ्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ ही बिजली के बिल इतनी दरें बढ़ा दिए। ताला बंद करने की एक नई नीति निकालते हैं, जब जब हम यही करते हैं एडिशनल सरचार्ज। आप मुझे बता दें कि बिजली के बिल में जो आ रहे हैं वो किस नाम के हैं, सरप्राइज सरचार्जेस हैं, तो बता दो पड़ेगा मुझे। तो ये सब बातें 10 दिन में किसान बिल माफ, मतलब जनता कितनी बार भरोसा करेगी इनके, ये आप भी सोचें। और पूरी जनता जान चुकी है कि सिर्फ टेबल बांटने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजसमंद विधायिका दीप्ति माहेश्वरी। मैम, आपकी विधानसभा में आज परिवर्तन यात्रा निकली है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? ये तो आप लोगों ने पूरी यात्रा कवर कर ली है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी जनता, राजसमंद विधानसभा की पूरी जनता तैयार है राजस्थान से इस कांग्रेस सरकार को मिटाने के लिए। और हम सब संकल्प लेते हैं, उपचुनाव में भी एक इकलौती सीट थी विधानसभा राजसमंद जिसने कांग्रेस सरकार को उनकी नीतियों के खिलाफ जवाब अच्छा दिया था, और आगे भी हम देखते हैं। विधानसभा में काफ़ी एक्टिविटी है? बिल्कुल, इस विधानसभा में 2.5 साल में मैंने हर सत्र में जो 100 प्रश्नों का कोटा था वो कोटा पूरा करा है, और इसके अलावा भी अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीक़ों से सरकार को घेरने की कोशिश ज़रूर करी है, और आगे भी हम लोग इस सरकार के खिलाफ, अब 2 महीने बचे चुनाव के, जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से ये सरकार ने किसान के विरोध, युवाओं के विरोध, महिलाओं के विरोध, किस तरीके से इन्होंने अपनी नीतियां बनाई, तो जनता सब समझ गई और पूरी जनता तैयार है अब राजस्थान की इस परिवर्तन। फ्री योजनाओं से कोई जीत जाता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एक तरफ बिजली के 100 यूनिट ये फ्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ ही बिजली के बिल इतनी दरें बढ़ा दिए उन्होंने, एक एडिशनल सरचार्ज लगाया जो हमने पिछली विधानसभा में अभी जो मानसून सत्र चला था उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिया था, एक 131 ध्यान आकर्षण लगाया था, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हमने सरकार को घेरने की कोशिश करी थी। तो कुल मिला के ये सिर्फ छोटी घोषणाएं हैं, कुछ होने नहीं वाला है। मोबाइल फ्री दे रहे हैं पर जिन जिन के पंजीयन करें उन तक भी नहीं पहुंच रही चीज़ें, तो कुल मिला के घोटाला गबन करने की एक नई नीति निकालते हैं, जब जब हम यही करते हैं एडिशनल सरचार्ज। आप मुझे बता दें कि बिजली के बिल में जो आ रहे हैं वो किस नाम के हैं, सरप्राइज सरचार्जेस हैं, तो बता दो पड़ेगा मुझे। तो ये सब बातें 10 दिन में किसान बिल माफ, मतलब जनता कितनी बार भरोसा करेगी इनके, ये आप ही सोचें। और पूरी जनता जान चुकी है कि सिर्फ टेबल बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है सरकार को, और ये बहुत जल्दी हम जानते हैं। बिल्कुल बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से 2023 में बनेगी और 2024 में हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर बनेंगे। तो ये थी राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, देवी से अखरवाल, राजस्थान तक राजसमंद।